हे गाइस, आते कुछ सदी सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों की लेके आ गया, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट जो कि पर्टिकुलरली सीएमए कर रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर रहे हैं, जो आईसीएआई के स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों की आने वाले 5 सालों में क्या डिमांड होने वाली है। क्योंकि बच्चों का ये मेरा, मैं बता रहा हूँ लिटरली, दिस इज अ कॉमन डाउट बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स कि भैया हमको हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं, हमको हमारे कलीग्स बोलते हैं, हमको हमारे रिलेटिव्स बोलते हैं। हम जब बताते हैं कि हम सीएमए कर रहे हैं, लोग बोलते हैं ये कौन सा कोर्स है ना, जबकि बाकी कोर्सेज का हम नाम बताएं, कॉमनली नोन कोर्स सीए का नाम बता रहे हैं, एमबीए का नाम बता रहे हैं, ऐसे कोर्सेज का नाम बता रहे हैं तो लोगों को पता होता है, पर सीएमए कोर्स के बारे में लोगों को पता क्यों नहीं है। आप सबसे पहले हमें ये बताओ कि सीएमए कोर्स के बारे में लोगों को पता क्यों नहीं है। प्लस एक मस्त आर्टिकल जो मैं नॉर्मली गूगल में सर्च करते रहता हूँ, मैं जनरली तुम लोग से रिलेटेड, अपने रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते रहता हूँ, तो उसमें कोई एकदम इंटरेस्टिंग चीज मिली है जो मैं तुम लोग को दिखा के प्रूफ कर सकता हूँ अपने पॉइंट को। बेसिकली मुझे तो पता है अपना पॉइंट, ठीक है, जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, पर मैं तुमको प्रूफ भी कर सकता हूँ अपने पॉइंट्स को। तो सबसे पहले बच्चे पूछते हैं भैया क्यों ऐसा होता है कि जब हम सीएमए के बारे में अपने किसी रिलेटिव से पूछ रहे, रिलेटिव में से पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो मैं बोला मैं तो सीएमए कर रहा हूँ, तो बोले कि ये सीएमए क्या कोर्स है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो क्यों नहीं जानते। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज ऑल्सो एन प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट है जिससे हम लोग उस रास्ते पर चल के अपने नाम के आगे सीएमए एक नाम लिखवाते हैं जो कि हमारे नाम की वैल्यू को बढ़ा देता है। तो क्यों नहीं पता लोगों को, तो सबसे पहले मैं आपको रीजन बता दूं क्यों नहीं पता, और फिर उसके बाद तुम लोग एक जनरल मेंटेलिटी के साथ बाकी कोर्सेज के साथ उसको कंपेयर करने लगते हो कि नहीं उनको इसका नाम तो पता था, उनको इसका नाम तो पता था, उनको मेरे कोर्स का नाम क्यों नहीं पता है। तो मैं तुमको सिंपल शब्दों में बता रहा हूं कि सीएमए जो कोर्स है, इसके अंदर जो आप एक इंसान बनोगे, ठीक है, जो आप एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनोगे, सीएमए एक ऐसा इंसान बनाता है जो कि कॉस्ट ऑडिट करता है, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, ठीक है, जो कॉस्टिंग से रिलेटेड, मैनेजर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, इंटरनल जो भी अफेयर्स होते हैं, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड चीजें होती है, वो सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं क्यों नहीं जानते, उसका एक शब्द में रीजन कि आपकी डिमांड सिर्फ बड़ी बड़ी पीएसयूज, मैन्युफैक्चरिंग हब, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में है, इस वजह से वहां पर। अब एक बात बताओ, एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन जो ने पूरी जिंदगी भर अपनी एक नॉर्मल सी जॉब की और कभी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग हब्स, पीएसयूज, ये सब चीजों को ना कभी फेस किया, ना कभी देखा है, ना कभी समझा है, तो उन्हें क्या पता होगा कि उस पर्टिकुलर फर्म के अंदर, इतनी बड़ी एमएनसी के अंदर क्या क्या पोजिशन, क्या क्या पोस्ट, किस किस व्यक्तियों की, किस किस टैलेंट के साथ व्यक्तियों की जरूरत होती है, क्या उन्हें पता होगा? बिल्कुल ही नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो आपकी इस डिग्री से अननोन है, इसलिए आपकी वो इस डिग्री से क्या है, अननोन है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को सुनकर डिमोटिवेट मत हो। बेसिकली मेरे को बच्चे मैसेज करते हैं ये सब चीजें, तो मैं सोचा कि इस चीज को जरूर से एड्रेस कर दूं, ठीक है। अब वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा डेटा आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं जिससे मैं अपने पॉइंट को प्रूफ कर दूंगा आने वाले 5 सालों में मेरे बच्चों की डिमांड ऐसे होने वाली है। ऐसे ये ग्राफ है ना, ये देखो ये ग्राफ है, ऐसे होने वाली डिमांड। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये देखो ये डेटा। इसके बाद एक और डेटा दिखाऊंगा, एक और फैक्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले ये डेटा किसने पब्लिश किया है, IBEF, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ये डेटा देख सकते हो, ठीक है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ने पब्लिश किया है। तो ये क्या है, मार्केट साइज देखो यहाँ पर कुछ तो भी दिख रहा है मेरे को। आप लोगों को ना की ट्रेंड्स दिखानी है, किस चीज की ट्रेंड दिखानी है कि आप अगर देखोगे हर साल तो ये देखो, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को दर्शाता है, ऑरेंज वाला पोर्शन आपकी माइनिंग इंडस्ट्रीज को दिखाता है, और ग्रे वाला पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी को। तो लेट्स पुट असाइड इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज एंड लेट्स कंप्लीटली फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग हब्स, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड हमारी सीएमएस की मैन्युफैक्चरिंग हब में है। इफ यू कैन एबल टू सी ग्रोथ ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन परसेंटेज, तो ये बेसिकली हमारी इंडस्ट्रीज है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का दिया हुआ है। 20 में आपको नेगेटिव ट्रेंड दिखेगा, आपको रीजन पता है 2020 में नेगेटिव ट्रेंड होने का मैन्युफैक्चरिंग में, आपको रीजन पता है, सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बट अगर आप इधर देखोगे 2018 में इट्स 4.5, 2019 में इट्स 3.5, ठीक है, बट इट वॉज लाइक दिस वाई, बट इन अ लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू बी इंक्रीज। वाई द ओनली रीजन इज बिकॉज गवर्नमेंट इज डूइंग द ट्रायल एंड एरर मेथड। इफ यू नो ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब होता है गवर्नमेंट ऐसी ऐसी पॉलिसीज, ऐसी ऐसी सब्सिडीज, ऐसी ऐसी चीजें लेकर आ रही है जिससे लोग मोटिवेट हो। किस चीज के लिए मोटिवेट हो, मैन्युफैक्चरिंग हब डालने के लिए इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव बहुत बड़े प्रूव होने वाले लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का सोचो, शॉर्ट टर्म का मत सोचो। जैसे आज अगर आप गोल्ड परचेस करते हो, अगर आप थोड़ा बिजनेस माइंडेड हो, तो मैं अपनी मम्मी को खुद भी बोलता हूँ,
ठीक है कि मम्मी लोग गोल्ड क्यों परचेस करते हैं, ऐसे मैं पूछता हूँ तो मम्मी बोलती बेटा लॉन्ग रन के लिए, है ना, लॉन्ग रन के लिए परचेस करते हैं, मतलब आज अगर गोल्ड 45,000 अराउंड पहुंच गया है, 45 फॉर पर 10 ग्राम्स, ठीक है, तो लोग परचेस कर रहे हैं, बहुत स्पीड से परचेस कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड की शॉप है गोल्ड की, वो बताता है बहुत स्पीड से सेलिंग हो रही है, ठीक है, इवन वो बोला हम लोग खुद परचेस करके रिटेन करके रख रहे हैं, फिर जब प्राइस हाइप होगा हम बेचेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली लोग गोल्ड क्यों इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग रन के लिए। हम लोग शेयर मार्केट में किस चीज के लिए आते हैं, लॉन्ग रन के लिए। तो जब हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो हम भी उसका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देखेंगे, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखेंगे। सीएमए करने के बाद 2 साल कमाना है या जिंदगी भर कमाना है, है ना, जिंदगी भर हम लोगों को रिस्पेक्ट, जो टाइटल मिल रहा है ना हम लोग को, उस टाइटल में इतना दम है। सीएमए भाई तुम्हारे नाम क्या कि सीएमए लगा हुआ है। एक बात बताओ, 60s में मान लो तुम रिटायरमेंट, पहली बात तो रिटायरमेंट लेने का कोई एज नहीं है हमारा, सबसे बड़ा एडवांटेज है हम प्रोफेशनल्स है। एक बार कोई एक बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं 60s में रिटायर हो जाएगा, पर हम लोग रिटायर नहीं होते, हम जब तक चाहे तब तक प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं, हम जब तक चाहे तब तक अपनी वो कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं अपने प्रोफेशन को। प्लस हम लोग अपना काम छोड़ देंगे उसके बाद भी हमारे नाम के आगे से, हमारे नाम के आगे से हमारा टाइटल नहीं हटेगा, उसके बाद भी हमारे नाम के आगे से हमारा टाइटल। तो भाई अलग वैल्यू है इसकी। तो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ये सब कुछ गवर्नमेंट के ऐसे इनिशिएटिव्स है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इस प्रकार बूस्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और स्टार्टअप्स इस प्रकार से इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, एमएनसी इस प्रकार से इंडिया में अपनी पैर जमा रही है, एप्पल अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग बना रही है बैंगलोर में इंडिया में। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही है, अमेजोन की खुद की लॉजिस्टिक्स है, ठीक है, इंडिया में सब कुछ, जब इतनी सारी चीजें सेटअप हो रही है इंडिया में, सारी एमएनसीज अब इंडिया में, इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट फॉर ऑल एमएनसीज, और इस सिचुएशन में जितनी भी एमएनसीज इंडिया में आएंगी उन सबको कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, जितनी भी पीएसयूज है उनको कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको कॉस्ट अकाउंटेंट जरूरत पड़ेगी, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है उनको कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जब इतनी सारी जगह में कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, तो डोंट यू थिंक मुझे कॉस्ट अकाउंटेंट की आवश्यकता है, डोंट यू थिंक मुझे कॉस्ट अकाउंटेंट की आवश्यकता है। हाँ भैया आवश्यकता है, पर द पॉइंट इज इफ यू नो इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, ठीक है, लेकिन इफ यू सी दिस डेटा पब्लिश बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ओनली 85,000 सीएमएस हैं, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ओनली 85,000। देखो कितने मेंबर्स हैं आईसीएआई के, ओनली 85,000 2020 के अकॉर्डिंग, अब एज पर 2020 डेटा, ठीक है। तो क्या आपको ये चीज दिख रही है, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, 130 करोड़ लोग, 130 करोड़, और कितने कॉस्ट अकाउंटेंट्स अपने पास, सिर्फ 85,000। डोंट यू थिंक अभी भी कम है, डोंट यू थिंक आने वाली डिमांड को देखते हुए, आने वाली, अब तुमको पता है ना कोई भी चीज हम लोग इंप्लीमेंट करें तो उसके रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है। जैसे मैं अगर आज से अच्छे से पढ़ना चालू करूं तो कल से रिजल्ट दिखने लगेगा क्या, नहीं, मैं आज से अच्छे से पढ़ना चालू करूंगा बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट दिखेगा, मैं आज से अच्छे से पढ़ना चालू करूंगा मेरे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा, रिजल्ट आएगा 6-8 महीने बाद। तो आज से जब मैं चालू करता हूं चीजों को, रिजल्ट दिखने में थोड़ा समय लगता है, समझ रहे हो ना, रिजल्ट दिखने में थोड़ा समय लगता है, बोलो हाँ, हाँ रिजल्ट दिखने में थोड़ा समय लगता है। तो वही बोल रहा हूँ, अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है इतने सारे, इसका रिजल्ट देखने में समय लगेगा। इंडिया वांटेड टू कॉम्पीट इन ग्लोबल लेवल, और ग्लोबल लेवल पे जब इंडिया कॉम्पीट करना चाह रही है तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स है वो गवर्नमेंट प्रमोट करेंगी, सब्सिडी देंगी, मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनेंगे, और सीएमए की डिमांड इन अ लॉन्ग रन बढ़ेगी। सीएमए स्टूडेंट्स की डिमांड, मतलब जो कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे उनकी लॉन्ग रन में डिमांड बढ़ेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में ये डाउट जो आता है वो डाउट इस डेटा को देख लो, और बाकी यार जैसे मैं तुम लोगों के लिए सर्च करते रहता हूं नेट पे, तुम खुद जाके अपने लिए सर्च कर सकते हो और ये सब डेटा को क्रॉस वेरीफाई चेक, रिलायबिलिटी चेक सब कुछ कर सकते हो। आपकी डिमांड बेटा फ्यूचर में रहेगी, आप अपने कोर्स के लिए पॉजिटिव रहो, स्टिक रहो अपने गोल्स पे, और अपने कोर्स पे लग के मेहनत करो, बिल्कुल आग लगा के मेहनत करो, बिल्कुल आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाले नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों की बातें मत सुनो, आपने जो कोर्स डिसाइड किया है आप उसको कंटिन्यू करो, अच्छे से कंप्लीट करो, सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करो, सारी चीजें करो, और आपको आपकी आपकी स्किल, देखो एक डिग्री नहीं बता सकती कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी डिग्री सिर्फ ना उस फॉर्म के अंदर, जैसे आपको उस फॉर्म के अंदर एंटर करना है तो वो एंट्रेंस का रास्ता होती है वो डिग्री, उस वो डिग्री से आप सिर्फ उस फॉर्म के अंदर एंटर, बाकी जब आपका इंटरव्यू होगा तो वो आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपका नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो आपको बताएंगी, वो आपको एक्चुअल में बताएंगी कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और आपकी कितनी वैल्यूएशन हो सकती है पर एनम, ठीक है, मतलब आपका पैकेज सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो वही चीज है, हम लोग को अपने कोई एसेट्स नहीं देने होते, हम लोग सिर्फ अपना दिमाग बेचते हैं। हम लोग क्या बेचते हैं, हम लोग को पैसा किस बात का मिलता है, अपने दिमाग बेचने का मिलता है, हम लोग दिमाग लेके घूमते हैं अपने साथ, ठीक है, हम लोग और कोई इंस्ट्रूमेंट की हमको जरूरत नहीं, हम अपना दिमाग अपने हाथ में लेके घूमते रहते हैं, और एक पेन, जो कि आजकल वर्चुअल जमाने में पेन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो सिंपल हम लोग अपना सिर्फ दिमाग लेके घूमते हैं, हम उसी को बेचते हैं,
हम अपने दिमाग को बेचते हैं और उसी का हम लोगों को इतना पे आउट मिलता है। तो अपने दिमाग को आप कितना इंप्रूव कर सकते हो, कितना बढ़ा सकते हो, कितना कितना एक्सपेंड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये क्लियरली आपके ऊपर है कि आप कितना अपने दिमाग को ग्रो कर सकते हो, कितना आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ डिग्री, इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ एनीथिंग एल्स। ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, कि आपका ब्रेन को आप कितना डेवलप कर सकते हो, अपने आप को आप कितना डेवलप कर सकते हो, अपने अंदर कितना वैल्यू एडिशन कर सकते हो, उतना पे आउट आपका जाएगा। क्यों एक बच्चे का 5-6 लाख का पर एनम पैकेज जाता है और एक बच्चे का 15-20 लाख जाता है? क्यों? दोनों तो सेम डिग्री की है ना, डिग्री तो सेम थी, तो क्या बेंचमार्क हुआ होगा पैकेज डिसाइड करने का? ब्रेन। क्या हुआ होगा? ब्रेन। समझ में आ गई होगी बात? तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो फैलनी चाहिए कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट इनिशिएट करा रही है जिससे आप लोगों की पक्का से फ्यूचर में डिमांड है, तो आपको बिल्कुल भी डाउटफुल रहने की आवश्यकता नहीं है। और यही बताना चाहता था आप लोगों को इस वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से आप लोग शेयर कर देंगे और कमेंट में अपना प्यार जरूर बरसाएंगे मेरे लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।